ओके आई थिंक परफेक्ट, जस्ट चेकिंग द अपलोड स्पीड। एक्चुअली आज स्कूल के भी बहुत सारे टीचर आ गए तो सब इंटरनेट इधर उधर हो गया, दैट्स व्हाई। सो आई एम चेकिंग इंटरनेट स्पीड, आई थिंक इट मे बी परफेक्ट। सो ओके जस्ट कमेंट फास्ट। या यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जस्ट आई एम चेकिंग द इंटरनेट स्पीड। ओके दिस इज फाइन। ओके आई थिंक एवरीवन इज गेटिंग द स्ट्रीम। व्हाट इज दिस? Yeah, just too light, no? मेरा से टू मिनट्स वेट फॉर सेकेंड। एक स्ट्रीम को बंद करता हूँ, एक मिनट एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, सब इधर उधर हो गया। मल्टीपल स्ट्रीम्स आर देयर। मल्टीपल क्लासेस आर देयर। Please comment, meanwhile comment about the streaming. तब तक मैं इसको सही करता हूँ। Please comment about the streaming. Please comment about the streaming. Two live streaming are there. Okay, एक को डिलीट मारता हूँ। So, yes, perfect streaming. Okay, very good. बस within 2 minutes मैं इसको adjust करके फिर शुरू करता हूँ। एक there are two live streamings. Now it is fine. Okay, I think there is one live stream now. This one live stream now. Okay, perfect, 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 perfect. Okay, first we will start. Within 2 minutes we will start. Okay. Chalo, let's start now. I think there is perfect streaming. Let's start now. I think there is not two live streaming is not there. Ek maine delete maar diya hai. But phir bhi. For the convenience, I'm sending the
एम सेंडिंग द लिंक. आज हम लोगों को डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडक्शन. ठीक है, बाय फ्रिक्शन और बाय कंडक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हमें इंडक्शन डिस्कस करना है. तो इस लेक्चर के बाद चार्ज और चार्जिंग के मेथड, चार्ज और चार्जिंग के मेथड दोनों फिनिश हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, कूलम्स लॉ. तो मोस्ट प्रॉब्ली आज हम लोग इंडक्शन की प्रॉब्लम्स करेंगे. आज हम लोग इंडक्शन की प्रॉब्लम करेंगे. लक्ष्य बफरिंग सर, वाई बफरिंग, इट इज बफरिंग एट 10:37 पे कमेंट करो. हाँ, बफरिंग समझ गया वो. इंटरनेट में किसी नई क्लासेस लगी थी स्कूल की, तो इंटरनेट पे गड़बड़ कर दिया था, मतलब दूसरे नेट से कनेक्ट कर दिया था. ओके, सो दैट्स व्हाई इट वाज बफरिंग. ओके, नाउ इट इज परफेक्ट. सो नाउ इट इज फाइन, इट इज परफेक्ट. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट, एक बैठ जाओ आराम से. टुडे विल स्टार्ट इंडक्शन. तो हम इंडक्शन का प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं और लेट्स स्टार्ट इंडक्शन का. पेपर मैंने चेक करके सबको दे दिया है, तुम्हें अपने मार्क्स को ऐड करके देना है. अगर मार्क्स को ऐड करके देना है, ठीक है, कि कितने मार्क्स हैं टोटल ऐड करके देना है, तो उसको दे दोगे तो बेटर रहेगा, आई थिंक. ओके, एंड ओके, सो तो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन नाउ. सभी नाउ एवरीथिंग इज फाइन एंड स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. लेट्स स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन. तो आज का प्रेजेंटेशन जो है वो लास्ट क्लास में मैंने उसको शुरू किया था. तो इंडक्शन का प्रेजेंटेशन है, तो मैं फिर से उसको लेके आ रहा हूँ. इंडक्शन हम लोग दो मेथड डिस्कस कर चुके थे, एक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन. और अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन. तो चार्जिंग बाय इंडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट है इसका. तो बाकी तो मेथड इजी है. तो लेट्स स्टार्ट चार्जिंग बाय इंडक्शन. चार्जिंग बाय इंडक्शन. सो नाउ अपनी फेस गायब करके मैं प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे आता हूँ. आई होप कि है ना, आई होप कि तुम लोगों को चार्जिंग बाय इंडक्शन. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. हाँ, और तो कुछ नहीं बोलना मुझे. हाँ, सब कुछ क्लियर है. ओके, टेस्ट वेस्ट हो चुका है और चार्जिंग बाय इंडक्शन हमें डिस्कस करना है. लेट्स स्टार्ट. सो चार्जिंग बाय इंडक्शन. सो आई थिंक सो लेट्स स्टार्ट नाउ. तो यहां पर पहले चार्जिंग बाय इंडक्शन हम डिस्कस करते हैं, पहले किसकी, कंडक्टर की. एक्चुअली में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन सिर्फ होता है इंसुलेटर्स में, और चार्जिंग बाय कंडक्शन सिर्फ होता है कंडक्टर में. और इंसुलेटर में भी जब हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन करते हैं तो दो चीजों को आपस में रब करना होता है, जैसे ग्लास रॉड को सिल्क से रब करना होता है. और जब चार्जिंग बाय कंडक्टर करते हैं तो दो चीजों को कनेक्ट करना होता है ऐसे. बट चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इंसुलेटर में होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन कंडक्टर्स में होता है. मगर जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है वो दोनों में होता है, कंडक्टर्स में भी होता है और इंसुलेटर्स में भी होता है. तो इसका बेसिक फिनोमेना क्या है, ध्यान से देखना. दोनों में होता है, इसका बेसिक फिनोमेना क्या है ध्यान से देखेंगे हम लोग. सो सपोज करो, इसको थोड़ा पीछे से प्रेजेंटेशन. सपोज करो ये कंडक्टर है हमारे पास, दिस इज अ कंडक्टर, और इसके पास हम एक चार्ज्ड बॉडी लेके आए हैं. कंडक्टर में पहले से कोई नेट चार्ज नहीं है,
कंडक्टर में पहले से कोई भी नेट चार्ज नहीं है, हम इसके पास एक चार्ज्ड बॉडी लेके आए हैं, ठीक है। अब ये चार्ज बॉडी क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगी, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगी और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगी, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगी और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगी। और यहां पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैक्सिमम होगा, नेगेटिव चार्ज जितना भी नेगेटिव चार्ज है मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ आ जाएगा और प्लस क्यू इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्योंकि कंडक्टर में फ्री चार्जेस होते हैं, तो इंडक्शन सबसे ज्यादा कंडक्टर्स में होता है, इंडक्शन सबसे ज्यादा किस में होता है, कंडक्टर में होता है। तो आई थिंक अगेन आई विल शो दिस, पहले इस पे कोई चार्ज नहीं था, पहले कोई चार्ज नहीं था, जब हम चार्ज लेके आए इसमें तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। याद रखो इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और बची हुई जगह में जो बची खाली जगह थी पॉजिटिव चार्ज रह गए। तो इस तरह से इस कंडक्टर में इस साइड नेगेटिव चार्ज आ गया और इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस साइड नेगेटिव चार्ज आ गया और इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये प्रोसेस है इंडक्शन की। तो दिस इज बेसिकली, अगर इसको तुम्हें इंडक्शन को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन कर सकते हो, कि इंडक्शन इज रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल चार्ज। तो यहां पर कोई एक्सटर्नल चार्ज है, उसकी प्रेजेंस में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। तो ये इंडक्शन की प्रोसेस है। जब ये जाएगा, देखो जब तक ये रहेगा तब तक ये रिडिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, और जैसे ये जाएगा ये आपस में फिर मिल जाएंगे। ये कुछ उसी तरह से जैसे क्लासरूम में जब तक टीचर रहता है, आई थिंक दिस इज अ गुड एग्जांपल, क्लासरूम में जब तक टीचर रहता है तब तक तुम्हारे दिमाग में पढ़ने का, इसीलिए ऑफलाइन टीचिंग इज लिटिल बिट मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब तक टीचर रहता है क्लास में तब तक बच्चे पढ़ाई करते हैं। जैसे ही टीचर क्लास से बाहर गया बच्चों ने फिर शैतानी शुरू कर दी। तो यहां पर वही है कि पॉजिटिव नेगेटिव, जब तक टीचर था ये टीचर समझ लो, ये टीचर था, नेगेटिव पॉजिटिव अलग थे, बाकी तुम्हें कुछ और समझना है तो समझ सकते हो। जब तक ये टीचर था नेगेटिव पॉजिटिव अलग थे, जैसे ही टीचर गया नेगेटिव पॉजिटिव मिल गए, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे कंबाइन हो गए, तो इस तरह से समझ सकते हो। फिर जब टीचर आ जाएगा फिर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये नेगेटिव को पुल कर लेगा, नेगेटिव को पुल कर लेगा और पॉजिटिव को ऐसे रिपेल करेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, नेगेटिव को ऐसे अट्रैक्ट कर लेगा पॉजिटिव को। तो दिस इज रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, redistribution of charge. I am not showing this. This is not my thing, इसलिए so leave it. Now, induction की जो process है, वो सिर्फ uncharged body में नहीं होती है। इससे पहले मैंने जो body ली थी वो uncharged body थी, इससे पहले जो इधर body ली थी, wait a second, यहाँ पे जो body ली थी ये uncharged body थी, ठीक है। मगर induction पहले से चार्ज्ड बॉडी में भी होता है, पिछली वाली जो बॉडी थी वो अनचार्ज थी। अगर पहले से चार्ज्ड बॉडी है तो इंडक्शन उसमें भी होगा। ये पहले से चार्ज्ड बॉडी है तो इसमें भी इंडक्शन होगा, इसमें पहले से चार्ज है, मगर इसमें इंडक्शन का फर्क क्या पड़ेगा। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, बाहर की चार्ज के प्रेजेंस में, बाहर की चार्ज के प्रेजेंस में इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इस चार्ज का, तो पहले तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, वो डिस्ट्रीब्यूट किया था, अभी यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे कैसे फर्क पड़ेगा। लाइव देखो तभी मजा आएगा। लाइव देखो क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम एक प्लस चार्ज लेके आ रहे हैं, प्लस चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज, इसमें तो पहले से प्लस चार्ज है, तो वो जो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा वो इधर के पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, या तुम ऐसे कह सकते हो कि पॉजिटिव उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अक्सर जब पॉजिटिव चार्ज होता है, बच्चों ध्यान देना, तब फिनोमेनन, रियल फिनोमेनन एकदम डिफरेंट होता है, और जो जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं वो एकदम डिफरेंट होता है। रियली में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आते हैं, मगर एक्सप्लेन करने के लिए तुम समझा सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज पीछे चले गए। तुम्हें पता है पॉजिटिव चार्ज चलते नहीं है, चलते एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज है,
मगर जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल आंसर है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम पॉजिटिव चला दोगे तब भी फाइनल चीज वही आती है, मगर अगर लॉजिकली समझोगे तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है, वो चल नहीं सकता। तो सही से अगर एक्सप्लेन करना है तो नेगेटिव चार्ज चलता है। फिर आते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। तो तुम इसको एक्सप्लेन करके कह सकते हो कि पॉजिटिव ऐसे रिपेल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव रिपेल हो गया, ठीक है। तो ये तो इंडक्शन से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, पहले इस पे यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज था, एक बार फिर से समझने के लिए, पहले इस पे यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था। पॉजिटिव चार्ज आया, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लिया। ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गए तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज रह गए, ठीक है। तो अभी इस पे इंडक्शन पे हम बहुत इनडेप्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंडक्शन पे अच्छे क्वेश्चन आते हैं जेई नीट के। प्लीज कमेंट करते रहो, यस यस यस, व्यूअर्स तो कम ज्यादा दिखाई देते हैं मुझे, प्लीज कमेंट इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर। और अगर मैं फास्ट हूं तो स्लो कमेंट करते रहो, क्योंकि जब क्विज होती है तब तो पता रहता है कि तुम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, मगर जब क्विज नहीं होती है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो प्लीज कमेंट यस इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, एंड प्लीज कमेंट स्लो इफ आई एम फास्ट, क्योंकि कभी कभी मैं इमोशन में एकदम फास्ट हो जाता हूँ। तो जस्ट कमेंट स्लो, ओके, समझ आ गया, ओके, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज वेरी गुड प्रेजेंटेशन, वेरी गुड, ओके। नाउ बहुत मजेदार प्रेजेंटेशन है। नाउ तो ये समझ गए ना, तो ये पॉजिटिव, यहां भी इंडक्शन हो रहा है, जब भी इंडक्शन होगा इंडक्शन में चार्ज टच नहीं करेंगे, नो टचिंग, दूर दूर से काम करना है, टचिंग नहीं, नो टचिंग, इंडक्शन मींस नो टचिंग, नो टचिंग, ये आजकल बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इंडक्शन फॉलोज सोशल डिस्टेंसिंग, ये सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करता है और वही काम करता है जो टच करके, मतलब ये समझ सकते हो कि जो है बाय फ्रिक्शन और बाय कंडक्शन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, इसमें डिस्टेंसिंग होती है, मगर इफेक्ट जो है वो दूर से ही वही होता है, इफेक्ट सेम होता है, चार्जिंग का इफेक्ट जो है ये ज्यादा यूजफुल है। लेट्स डू फर्दर, यहां पर फिर से पॉजिटिव चार्ज है, फिर से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक और हम नेगेटिव चार्ज लेके आए, तो नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो इधर वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन हर जगह होते हैं, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन हर जगह होते हैं, हम उसको दिखाते नहीं है, मगर फ्री इलेक्ट्रॉन हर जगह होंगे, छुपे हुए होंगे। इस पे नेट चार्ज जो है, नेट चार्ज पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि नेट चार्ज जितना पहले पॉजिटिव था उतना ही पॉजिटिव, नेट चार्ज उतना ही रहेगा, मगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इंडक्शन में नेट चार्ज नहीं बदलता, बस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसने क्या किया, नेगेटिव को क्या किया, नेगेटिव को रिपेल कर देगा, तो नेगेटिव को रिपेल करेगा तो इधर का पॉजिटिव कम हो जाएगा, सारा का सारा पॉजिटिव इधर आ जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हो कि नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लिया, आई थिंक, आई होप यू अंडरस्टैंड द मैथड ऑफ इंडक्शन। तो ये था मैथड ऑफ इंडक्शन इन कंडक्टर्स, तो इसके मेथड ऑफ इंडक्शन को इसमें कुछ दिखाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा। सो मेथड ऑफ इंडक्शन इज वेरी यूजफुल, तो इसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे, मेथड ऑफ इंडक्शन के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इंडक्शन होता है, इंडक्शन सिर्फ कंडक्टर में नहीं होता, इंडक्शन इंसुलेटर्स में भी होता है, ठीक है, इंसुलेटर में भी होता है। तो अभी तक जो प्रोसेस हुई थी, जैसे चार्जिंग बाय कंडक्शन वो सिर्फ कंडक्टर में होता था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन सिर्फ इंसुलेटर में होता था, मगर ये कंडक्टर्स में भी होगा। कंडक्टर में कैसा होगा हमने देख लिया, यहां पर देख लिया कंडक्टर में कैसा होगा, अब हम देखेंगे कि इंसुलेटर में कैसे होता है, क्योंकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, तो इंसुलेटर में कैसे होगा, तो उसके लिए एक और प्रेजेंटेशन तुम्हारे सामने है। जब तक मैं प्रेजेंटेशन इधर उधर कर रहा हूं तब तक जो है अपनी शक्ल रखता हूं, थोड़ा सा स्टाइलिश, ट्राई टू चेंजिंग द स्टाइल। नाउ लेट्स सी द प्रेजेंटेशन। सो या नाउ सी द सो इंसुलेटर्स में, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होते हैं तो फिर इंडक्शन कैसे होता है? कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उसकी वजह से हो गया था, इंसुलेटर में कैसे होगा?
लेट्स सी इंसुलेटर में कैसे होगा, तो उसके लिए अभी दो मिनट में प्रेजेंटेशन लेके आता हूं। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मगर एटम तो होते हैं ना, एटम तो होते हैं, और एटम में बाउंड इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन तो होते हैं। तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना। सपोज हमारे पास अगर कोई एटम है, एटम है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। कंडक्टर में इंडक्शन अलग तरीके से होगा, इंसुलेटर में इंडक्शन अलग तरीके से होगा। इंसुलेटर में कैसे होगा, यहां पर तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, आई थिंक तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है ना, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। तो सपोज करो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, और इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है वो बाउंड इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। तो एक्चुअली में इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मगर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो जैसे ही हम कोई, अभी जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यू कैन से कि सेंटर ऑफ चार्ज और सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉन्साइड है। आई थिंक तुमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा। सिंपल सी बात है कि जो निगेटिव चार्ज है उसका सेंटर एकदम बीच में है, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर बीच में है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी बीच में है। मगर अगर एक पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे तो वो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को पुल कर लेगा, अभी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं पुल करेगा। जैसे कंडक्टर में तो पूरे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो कंडक्टर्स में इंडक्शन बहुत ज्यादा होता है, कंडक्टर्स में इंडक्शन मतलब एक्सट्रीम पे होता है। बट इंसुलेटर में उतना नहीं होता, मगर होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो न्यूक्लियस थोड़ा दूर हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहां पे हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहां पे हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज इस तरह से, ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर हो गया और ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर हो गया। तो इस तरह एक चीज बन जाती है जिसको हम कहते हैं डाइपोल। तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे जनरेट होता है उसका बेसिक आइडिया है। मतलब जब पॉजिटिव चार्ज, जब कोई बाहर से पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, उसने नेगेटिव चार्ज को पुल किया, तो नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर ये हो गया और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ये हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा, इस तरह से बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आई थिंक तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग में, इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले से भी कुछ एटम में होते हैं। जैसे ये बन भी जाते हैं, इसको इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, इंड्यूस्ड। अच्छा, केमिस्ट्री में भी वर्ड आया था इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। तो इस तरह से एक इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट हो जाता है, या पहले से कुछ मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आई थिंक कुछ पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। तो तुम पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स तुमने जरूर पढ़े होंगे, उसी तरह। तो उसका इसमें क्या होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम डिस्टेंस में सेपरेटेड होता है ना, बहुत ही कम डिस्टेंस में सेपरेटेड होता है। ऑब्वियसली ये बहुत कम डिस्टेंस होगी, ये एटॉमिक डिस्टेंस होगी, अप्रॉक्सीमेटली 10^-9 मीटर की डिस्टेंस होगी। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, ठीक है, ये डाइपोल बन जाता है। दिस इज पोलराइजेशन ऑफ एटम हो गया, ठीक है। अब नॉन मेटल में किस तरह से होता है, नॉन मेटल में इस तरह से होता है। नाउ ये कोई नॉन मेटल है या इंसुलेटर है, एक ही बात है। तो इसमें सपोज करो, यहां पर दिखा रहे हैं, सपोज करो पहले से कोई डाइपोल नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऐसे कंसाइड कर रहा है ना, कुछ एटम्स का, हम एक पॉजिटिव चार्ज आए। नाउ ऐसे इसने इलेक्ट्रॉन को पुल किया, ऐसे बहुत सारे डाइपोल बन गए इस तरह से, बहुत सारे, है ना, इस तरह से बहुत सारे क्या बन गए, डाइपोल्स बन गए। अब ये बहुत सारे डाइपोल्स बन गए, तो क्या होगा,
इसमें पास वाला पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है ना, मेरा कर्सर दिख रहा है, पास वाला पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देगा, ये पास वाला, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खत्म कर देगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खत्म करेगा, पास वाले के इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। मगर किनारे वाला जो नेगेटिव है, आई होप दिख रहा होगा, किनारे वाला नेगेटिव, ये पास वाले तो पॉजिटिव नेगेटिव खत्म कर रहे हैं, ये पास वाला पॉजिटिव नेगेटिव खत्म कर रहा है, पास वाले खत्म कर देंगे, मगर किनारा वाला नेगेटिव उसको खत्म करने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे हैं मगर मैंने तुम्हें इतना दिखा पाया सिर्फ, और इधर किनारे वाले थोड़े से पॉजिटिव खत्म। तो इस तरह से किनारे की तरफ थोड़े से नेगेटिव बचते हैं, इस किनारे थोड़े से नेगेटिव बचते हैं, इस किनारे थोड़े से पॉजिटिव बचते हैं, और किनारे किनारे पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज और थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। तो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन इन इंसुलेटर, ठीक है। तो मैंने तुम्हें चार्जिंग का मेथड पूरा तरह से, आई थिंक मैंने तुम्हें चार्जिंग का मेथड पूरी तरह से समझा दिया, टोटली समझा दिया चार्जिंग का मेथड। तो ये एक टॉपिक इसका खत्म हो गया है। कौन सा टॉपिक खत्म हो गया? चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में सारा डिस्कशन हमने कर लिया, और चार्जिंग के मेथड्स खत्म हो गए। अगला टॉपिक हम लोगों को शुरू करना है कूलम्स लॉ, मगर उससे पहले हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए थे और तुम लोगों को इसे पर्सनली बोला था होमवर्क करने को। देखो, होमवर्क करोगे तो तुम्हें फायदा होगा, सिस्टमेटिकली जो पैटर्न है तुम्हें ज्यादा, तो एक तो मैंने शीट दे रखी थी, मगर होमवर्क नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा। तो वैसे ऑनलाइन टीचिंग है, मगर बहुत हद तक मैं इसमें ऑफलाइन की तरह कंट्रोल नहीं कर सकता, बट फिर भी जो है यहाँ पर तुम्हें एक सेल्फ कंट्रोल देना होगा, है ना। तो ऑनलाइन में सबसे अच्छी चीज है उसके अकॉर्डिंग उस पैटर्न को फॉलो करना होगा। तो आई थिंक इस पर मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता हूँ। मैंने होमवर्क दिया था पहले, तो मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ। तो होमवर्क को तुम पर्सनली पोस्ट कर सकते हो। तुम्हारा पेपर, तुम्हारा टेस्ट मैंने चेक कर दिया था, और संडे को जो टेस्ट, इस संडे को फिर से टेस्ट होगा, तो संडे को जो टेस्ट होगा उसमें ऑप्टिक्स के भी क्वेश्चन आएंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितना पढ़ा दूंगा उतने आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि तुम जो है अपने एक बार मार्क्स ऐड करके वापस करोगे, और अगली बार हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैं मार्क्स भूल जाता हूँ चेक करते समय, तो चेक करते समय मार्क्स भी हम लोग सामने रखेंगे, ठीक है। आई थिंक मैंने होमवर्क में दो क्वेश्चन दिए थे, पता नहीं तुमने देखे क्वेश्चन, क्वेश्चन अब इजी दे रहा हूँ, तो प्लीज सबमिट योर होमवर्क, हाँ मैं उसे लेके आता हूँ, प्लीज सबमिट योर होमवर्क। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, तो ट्राई दिस क्वेश्चन, मैंने दो क्वेश्चन दिए थे, किसी ने भी ट्राई करके मुझे नहीं भेजा, ठीक है, नहीं तो उसी को दिखा देता। अब तुम्हें यहाँ पे करना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर चार्ज हैव 12 इतना रिस्पेक्टली, अ न्यूट्रल आइडेंटिकल मेटल स्फीयर सी टच्ड विद ए एंड बी, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन स्फीयर सी फाइनली, हैव इलेक्ट्रॉन बीन एडेड और रिमूव्ड, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम गिवन स्फीयर, इतना। ये दो क्वेश्चन है, दीज आर गुड क्वेश्चन, अगर किसी को सॉल्व करके देना है तो वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करके दो, वरना मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, इसको मैं सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन तो मैं पहले ही भेज चुका हूँ मैं, अब जो आगे के लेक्चर में लेने वाला हूँ वो क्वेश्चन तो मैं पहले भेज दूंगा। तो तुम पहले पर्सनली, ग्रुप में होमवर्क पोस्ट नहीं करना है, पर्सनली होमवर्क पोस्ट करना, ठीक है। फिर तुम्हारा, अगर तुम्हारा अच्छा होगा तो मैं डायरेक्टली उसको दिखा दूंगा, मैं खुद सॉल्व नहीं करूंगा। ये मेथड बहुत अच्छा चल रहा है, 11th क्लास में तो बहुत सक्सेस हो गया ये मेथड, है ना। तो इसमें लेट्स स्टार्ट, 11 o'clock। तो इस क्वेश्चन का व्हाट्सएप मुझे करके भेजो, व्हाट्सएप करके भेजो, सॉल्व करो और व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप करो, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, और जो सॉल्व करेगा उसका दिखाऊंगा, जैसे पहले की तरह करता था लिटिल बिट। इस चैप्टर में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑप्टिक्स की तरह कर लो ढंग से। Where is the question? मैंने डाउनलोड भी किया था। दो क्वेश्चन दिए थे सिर्फ।
जल्दी से सॉल्व करके दो, जिसको सॉल्व करके देना फटाफट व्हाट्सएप पे सॉल्व करके दो, इजी क्वेश्चन है। आई एम वेटिंग इन व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो तब तक मैं सॉल्व करता हूं, किसी का सॉल्व करके आया तो दिखाऊंगा। टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ए एंड बी हैविंग चार्ज 12 आई थिंक ये नैनो कूलम होता है ना, नैनो कूलम, एनसी, एनसी मींस नैनो कूलम, 12 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम एंड माइनस 6 नैनो कूलम। ठीक है, तो वी हैव टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर, मैं धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूं, अगर तुम्हें सॉल्व करना है फटाफट सॉल्व करो। एक स्फीयर ये आइडेंटिकल स्फीयर में एक कंसेप्ट होता है जो शायद क्या हो गया भाई, कमांड सी कमांड बी। ठीक है, तो ये बस दो दो आइडेंटिकल दूसरा ही बना लेता हूं। ये स्फीयर है और सिमिलर ऐसा ही स्फीयर है, यस वी हैव अ सिमिलर स्फीयर, तो मुझे कलर करने के बाद करना चाहिए था। चलो अब क्या फायदा, तब तक मैं नौटंकी कर रहा हूं, तुम लोग सॉल्व कर लो इसको प्लीज। मैं इसीलिए नौटंकी कर रहा हूं कि तुम लोग तब तक कोई ना कोई सॉल्यूशन तो भेज देगा। चलो, वी हैव टू आइडेंटिकल स्फीयर, वी हैव टू आइडेंटिकल स्फीयर, वी हैव टू आइडेंटिकल स्फीयर ए एंड बी, इनके नाम है एकदम एक जैसे हैं, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। ठीक है, इस पे चार्ज है 12 एनसी का, 12 नैनो कूलम, नैनो 10 की पावर माइनस 9, तो इस पे चार्ज है प्लस 12 एनसी का। और ये होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज डू होमवर्क, मैं दो तीन क्वेश्चन दूंगा इजी वाले, तो प्लीज कर लेना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी दूंगा, तो उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके आंसर भी ऑब्जेक्टिव ही दे दूंगा, तो डू द होमवर्क। ठीक है, तो 12 एनसी और 6 एनसी, 6 नैनो कूलम। ठीक है, नाउ इसमें क्या किया है, अ न्यूट्रल आइडेंटिकल मेटल स्फीयर इज टच्ड, अच्छा एक और है वो तो भूल ही गया, एक और कॉपी पेस्ट, ये भी ऐसे ही है, एक और है, ये भी आइडेंटिकल है, अ न्यूट्रल आइडेंटिकल स्फीयर सी, इसका नाम है सी, तो इसका नाम है सी, इसको सी नहीं लिखता हूं, ये इधर उधर रहना पड़ेगा, इज टच्ड टू ए, पहले इसको ए टच से टच किया, देन बी से टच किया, है ना, एंड फाइनली रिमूव्ड, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन स्फीयर सी फाइनली, व्हाट विल चार्ज इन सी फाइनली। अच्छा, तो पहले तो इसको टच किया, इससे टच करके अलग किया, टच किया टच करके, तो ऑब्वियसली कंडक्शन होगा, और अगर प्लस 12 आइडेंटिकल है तो दोनों में आधा आधा आ जाएगा। अच्छा, अगर आइडेंटिकल ना हो तब क्या होगा, तब तुम्हें पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो 6 नैनो कूलम इस पे हो जाएगा टच करने के बाद, और 6 नैनो कूलम इस पे हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे है 6 नैनो कूलम, मैं अंदर भी लिख सकता हूं 6 नैनो कूलम, हाँ ये बढ़िया लग रहा है ना, आई थिंक ये दिस लुक गुड 6 नैनो कूलम। यस, फाइनली आरती सिंह का आंसर आ गया, वेरी गुड, 3 नैनो कूलम। ठीक है, आई होप कि रेगुलर स्टूडेंट तो इस समय आई थिंक प्रेजेंट भी है खुश, जो लेट मी चेक दैट, प्रियांशी है, खुशी है, मितेश, आई थिंक मितेश इज नॉट देयर, ओके रेगुलर, जो पहले रेगुलर थे, चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 6 नैनो कूलम और
कुछ लोगों ने जस्ट कमेंट अबाउट द आंसर, यू कैन कमेंट एंड यू कैन सेंड द सॉल्यूशन, यू कैन सेंड द सॉल्यूशन. 6 नैनोकुलम इस पे आ गया. डोंट कमेंट द आंसर, इफ पॉसिबल देन सेंड द सॉल्यूशन. ओके, डोंट कमेंट द आंसर, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. ऑब्जेक्टिव आएंगे, अभी दूंगा ऑब्जेक्टिव, शुरू कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव, मैं जल्दी शुरू करूंगा. नाउ तो हाँ, सो 6 नैनोकुलम ही आ गया. What will be the charge on sphere C finally? तो माइनस सिक्स नैन कुलाम ये था, सुनना ध्यान से. अब मैं इस पूरे को, तो आई थिंक ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, पहली बार टच करने के बाद 6 नैनो कुलाम इस पे आ गया और 6 नैनो कुलाम इस पे आ गया पहली बार टच कराने के बाद इस तरह से. अब देखो, अब मैं इसको, इस पूरे को इससे टच करा था, मगर इससे ध्यान रखना प्लस 3, आई थिंक इट इज द रॉन्ग आंसर. रॉन्ग आंसर डोंट, ये सबने रॉन्ग आंसर दे रहा हो, ठीक है, ये तुम पूरा सॉल्व नहीं करोगे तो रॉन्ग आंसर निकलेगा इसमें. 3 नैनोकुलम नहीं होगा, तो इसीलिए ऐसा कभी, तभी न्यूट्रल जीरो. ओके ओके, आई गॉट इट, क्योंकि 12 माइनस 6 3 नैनोकुलम दोनों में होगा. ओके सॉरी, इसीलिए कहता हूं पूरा सॉल्यूशन करके भेज दिया करो. ओके, दोनों पे 3, क्योंकि 12 और 6 कितना, 6 नैनोकुलम बचा और 3 थी दोनों पे होगा. वेरी गुड, आई गॉट इट. कभी कभी में ना इस तरह की जो है, हमेशा 3. ओके, तो अभी सब गड़बड़ आती. अच्छा, ये इसको C को A से टच करने के बाद में न्यूट्रल हो जाएगा. अच्छा, न्यूट्रल पे 0, नहीं, ये देखो पहले A और B having 12 माइक्रोग्राम माइनस 6 माइक्रोग्राम, तो दोनों पे, जैसे इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, वेट अ सेकेंड, फिर से एक्सप्लेन करता हूं. देखो इस पे पहले कितना था, अगेन एक्सप्लेन, इस पे 12 नैनोकुलम था और माइनस 6 नैनोकुलम था, तो टोटल इनका चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज क्या होगा, चार्ज तो फिक्स रहता है, इन दोनों का, ए और सी का जो कंबाइंड चार्ज हुआ वो कितना, इनको टच कराया, इसको टच कराया, ऐसे इसको ऐसे टच कराओ, टच कराओगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कि इनका जो कंबाइंड चार्ज है ना, कंबाइंड कितना होगा, 12 नैनोकुलम है ना माइनस 6 नैनोकुलम, तो ये बचेगा 6 नैनोकुलम, तो 6 नैनोकुलम का आधा आधा इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी यहां पर हो जाएगा 3 नैनोकुलम एंड इस पे भी, दोनों पे 3 नैनोकुलम हो जाएगा, ये ए और सी के टच करने के बाद यहां पे 3 नैनोकुलम हो जाएगा और यहां पे 3 नैनोकुलम हो जाएगा. ओ माय गॉड, आई वाज राइट यार, रच क्या हो रहा है. ओके सॉरी, मैं तुम्हारे चक्कर में पता नहीं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ. 3, मैं, मुझे लगा मेरी गलती है, सॉरी, मैं सही कर रहा था. ए बताओ, ये बच्चों कभी कमेंट पढ़ पढ़ के मैं पागल हो गया हूँ, सॉरी फॉर दैट. ये ए और बी पे ये न्यूट्रल है, हे भगवान, सॉरी, ठीक कर रहा था पहले, कमेंट पढ़ने का ही नुकसान होता है, मुझे लगा कि इस पे 6 नहीं था. ओके, गॉट इट, सही, पहले सही कर रहा था, क्या बताऊं, फालतू में टाइम वेस्ट हो गया. ये 12 नैनोकुलम था, ठीक था, मगर मेथड वही है, मेथड वही होगा. यस या 12, ये उनका आंसर देख के मुझे लगा कि शायद गड़बड़ है. हाँ, इस माइनस 6 और ये सी न्यूट्रल था, तब तो सही था, तब ये न्यूट्रल होगा, इजी था, तब फिर प्रोसेस वही होगी, ये इसको टच करेगा, टोटल 12 नैनोकुलम डिस्ट्रीब्यूट होगा. मैं इसमें तो गलती कर, मेथड सही, 12 का आधा आधा दोनों पे हो जाएगा, टोटल 12 है, तो 6 नैनोकुलम इस पे आएगा और 6 नैनोकुलम इस पे आएगा, ठीक है, फिर ये 6 नैनोकुलम लेके अलग हो जाएगा, पूरा अलग करना है, ठीक है, ये 6 नैनोकुलम लेके अलग हो जाएगा. दोबारा लिख दूंगा, ये 6 नैनोकुलम लेके अलग हो जाएगा.
समटाइम्स आई डू मिस्टेक लाइक दिस. ओके सिक्स नहीं, मगर ये मेरी गलती नहीं है, मैं तो कमेंट देख के इंस्पायर्ड हो गया. हाँ, ए और बी को नहीं टच कर रहा है एडिटर आर्टिकल्स पे. सी टच टू ए देन बी, ठीक तो है, ये कैसा कमेंट कर रहा हो सर? स्फीयर सी इज न्यूट्रल, स्फीयर सी न्यूट्रल है, टू ए एंड बी हैव चार्ज प्लस इतना, ए और बी पे इतना चार्ज है. अ न्यूट्रल आइडेंटिकल मेट सी टच टू ए, पहले इसको ए से टच किया, ठीक तो है, ये ए से टच किया, ठीक है, फिर सी टच टू ए, देन इट बी, ठीक तो है, पहले इसको ए से टच किया तो ये हो गया, ए से टच करने के बाद ऐसे हो गया, अब इसको बी से टच करेंगे, ठीक है, एंड फाइनली रिमूव. अब इसको बी से टच करेंगे, पहले मैं सही कर रहा था, इसको बी से टच करेंगे, ठीक है. सो होमवर्क पे देता हूं, पहले से तुम लोग कर लिया करो, ठीक है. अब होमवर्क में जो सही से करेगा उसको मैं, फिर इसको टच करेंगे. अब सिक्स और सिक्स को टच करेंगे तो उसका सम ऑफ चार्ज कितना होगा? जीरो. आई होप सबको समझ में आ जाएगा. न्यूट्रल बाद में न्यूट्रल हो जाएगा, बाद में ये तो न्यूट्रल हो जाएगा. सिक्स और माइनस सिक्स क्या हो गया? जीरो. और बाद में इन दोनों पे न्यूट्रल चार्ज, इसको टच करके अलग रखोगे तो दोनों पे चार्ज बचेगा ही नहीं, दोनों पे चार्ज बचेगा नहीं, ये चार्ज हटा दो तो दोनों, यानी सी और बी बाद में न्यूट्रल हो जाएंगे, सी और बी बाद में न्यूट्रल हो जाएंगे, है ना. व्हाट विल बी चार्ज ऑन स्फीयर सी फाइनली? न्यूट्रल, नो चार्ज, जीरो. हैव इलेक्ट्रॉन बीन एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम स्फीयर सी? तो इलेक्ट्रॉन क्या थे, एडेड या रिमूव्ड हुए फ्रॉम स्फीयर सी? तो स्फीयर सी से कोई इलेक्ट्रॉन फाइनली तो कुछ भी नहीं हुआ, सी पे पहले भी कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, सी पर पहले, है ना, सी पे पहले भी, आई थिंक गलत ऐसे होता है, इसीलिए कहता हूँ होमवर्क करो. आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट डूइंग द होमवर्क, या किसी को, कुछ नए बच्चे आए हैं तो उनको सिस्टम मालूम ना हो. मैंने ये क्वेश्चन व्हाट्सएप पे, जो क्वेश्चन मैं अब थोड़ा सिस्टम समझ लो, मैं आ जाता हूँ, थोड़ा सिस्टम समझ लो, थोड़ा टाइम कम वेस्ट होगा, है ना, कम हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे. एक्चुअली में हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है तो फास्ट हम करेंगे. तो मैंने एक सिस्टम बनाया, जैसे टेस्ट का परफेक्ट सिस्टम बनाया है, है ना. अब टेस्ट जितने भी बच्चों ने दिया हो, टेस्ट का परफेक्ट सिस्टम है. आगे अगले संडे को हम इसको मॉडिफाइड कर लेंगे. मतलब ऑनलाइन में ऐसा सिस्टम अभी तक किसी ने नहीं बनाया, मतलब ऑफलाइन का करीब करीब टोटली ऑफलाइन को रिप्लेस कर दिया है. अब अगर मैं एक बार आके तुम लोगों से मिल भी लेता हूं, सफिशियंट होगा. बाकी सारे काम चल रहे हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं हो रही जो ना हो पाए, ठीक है. टेस्ट में, टेस्ट के हम लोग, टेस्ट का मुझे चिंता थी, टेस्ट कैसे होगा, तो टेस्ट बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और मैंने बहुत अच्छी तरह से चेक कर लिया. कुछ मॉडिफिकेशन बस करने हैं टेस्ट में. क्या मॉडिफिकेशन करने हैं टेस्ट में? कि टेस्ट में आप मार्क्स लिख दोगे तुम लोग और एक पेज पे एक क्वेश्चन करोगे तो टेस्ट बहुत जल्दी चेक हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी चेक हो जाता है. और तुम अपने मार्क्स जैसा भी है, जितने मार्क्स है ऐड करके भेज देना जैसा भी है. तो अगले संडे को फिर हम टेस्ट लेंगे, उसमें ऑप्टिक्स पूरा आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जितना पढ़ा दिया ये सिलेबस होगा. जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन आएंगे, ऑप्टिक्स के थोड़े से डिफिकल्ट होंगे. दूसरी चीज, दूसरा एक सिस्टम है, आप फिर से बना लो, फॉलो करो जो इफेक्टिव सिस्टम है. पहले मैं क्या करता था, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देता था तो उसको कोई नहीं करता था. अब मैं वो क्वेश्चन दूंगा जो अगले दिन मुझे क्लास में लेने होंगे, है ना, वो सेम सब्जेक्टिव में, है ना, ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में, ऑन द स्पॉट या ऑब्जेक्टिव ही तुम्हें दे दूंगा. ऑब्जेक्टिव में तो तुम आंसर पहले से रख के रखोगे तो तुम्हें कमेंट करने में बहुत आसानी होगी. तुम पहले से सॉल्व करके रखोगे, है ना, जैसे चार पांच क्वेश्चन तुम्हें चार्ज पे दे दिए, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होंगे, बहुत ईजी भी नहीं होंगे, तुम पहले से घर पे सॉल्व करके रखो. ऑब्जेक्टिव होंगे तो तुम्हें कमेंट देने में आसानी होगी, है ना. और जैसे जो हमारा पैटर्न है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव भी करो और हर ऑब्जेक्टिव का एक सोल्यूशन होता है तो वो सोल्यूशन भी व्हाट्सएप पे भेजो, हम ऐसे भी करेंगे. तो होमवर्क मैं दूंगा, उसको होमवर्क को सॉल्व करना शुरू करो, है ना. आज से होमवर्क को सीरियसली लो. जैसे मैंने कल मैंने होमवर्क दिया तो किसी ने सीरियसली लिया नहीं, किसी ने सॉल्व करके भेजा नहीं. और होमवर्क मुझे पर्सनली भेजना है, ग्रुप पे नहीं डालना है, ग्रुप पे नहीं डालना है, क्योंकि ग्रुप पे कोई दूसरा बच्चा देख सकता है. तो तुम्हें होमवर्क पर्सनली भेजना है, फिर जिसका मुझे अच्छा लगा उसका सोल्यूशन कभी कभी शो कर दूंगा, तो मेरा भी थोड़ा टाइम बचेगा. ओके लेट्स सी दिस. तो इस पे तो फाइनली हैव इलेक्ट्रॉन बीन एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम स्फीयर सी? नो, नो कोई इलेक्ट्रॉन सी से स्फीयर, तो इस सब जीरो. नो नो लिखोगे ना यहाँ पे, आई थिंक नो नो. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम और गिवन टू स्फीयर सी? है ना, कोई भी नहीं, क्योंकि फाइनल चार्ज जीरो है, तो बाकी सबके तो कोई आंसर नहीं होगा, जीरो इलेक्ट्रॉन फाइनली. ओके
समझ आई बात? आई थिंक इट इज क्लियर। एंड एक और होमवर्क का क्वेश्चन दिया था मैंने, एक और होमवर्क का क्वेश्चन था, व्हाट्सएप पे पहले से दे दिया था, मैं वहीं से डाउनलोड कर रहा हूं। दिस इज योर व्हाट्सएप स्क्रीन, आज मैं ज्यादा दूंगा। इट इज डाउनलोडेड। वेट अ सेकेंड, ये भी पहले भेज चुका हूं। अब वही सवाल लूंगा जो मैं पहले भेज चुका हूं, तो आगे से मैं होमवर्क भेज दूंगा, प्लीज उसको करना। अच्छा, इंडक्शन में थोड़ा सा, एक मिनट, ठीक है, इस सवाल को एक मिनट रुक जाओ, इस सवाल को तुम लोग फिर से एक बार ट्राई करना, अगेन इस पे होमवर्क देना, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। नहीं, अभी तो 15 मिनट टाइम बचा हुआ है, हाँ 11:30 तक पढ़ूंगा। ओके, सो इसको सॉल्व कर देता हूं। ये तो नया होगा, अ कंडक्टर हैज बीन गिवन अ चार्ज इतना बाय कंडक्शन प्रोसेस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम द कंडक्टर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर रिमूव। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, और नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन आता है। सो वो उसने हेल्प कर रखी, कोई दिक्कत नहीं, तो तुम्हें इससे इंफॉर्मेशन लेनी है। तो कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये फॉर्मूले पे काफी क्वेश्चन होंगे, क्यू इज इक्वल टू एन ई, ठीक है, क्यू की वैल्यू है 3×10⁻¹, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन, दिस इज 1.6×10⁻¹¹, रेस्ट इज कैलकुलेशन, सो दिस इज इजी। तो प्लीज डू होमवर्क आगे से, जितने भी लोग हैं लाइव हैं, प्लीज डू होमवर्क। 3 ÷ 1.6 और आई थिंक 10^12, मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ, है ना? ओके, नेक्स्ट है, हाउ मच मास ऑफ कंडक्टर डिक्रीज, ये खुद ही बोल रहा है डिक्रीज, क्योंकि हो सकता है, अच्छा सवाल ये होता कि ये खुद ना बोलता, तुम्हें पता करना होता। ऑब्वियसली मैंने थ्योरी में बताया था कि जब भी पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पे आता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो मास डिक्रीज करता है, तो कितना मास डिक्रीज करेगा वो कैसे निकालेंगे, मास कितना डिक्रीज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन निकले एन, और एक इलेक्ट्रॉन का मास, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन निकले और एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो इसको थोड़ा ऊपर से लिखता हूं, साइड में जगह, यहां से कलर मेरे पास डिफरेंट है ना, तो आई कैन डू एनीथिंग। तो हाँ, हाउ मच मास ऑफ कंडक्टर, मास कितना डिक्रीज हुआ, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले एन, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एक इलेक्ट्रॉन के मास से, उतना मास कम हो जाएगा। तो इस, ये तो वैल्यू इतनी रहेगी, 3 ÷ 1.6, कैलकुलेशन तुम कर लोगे, 10^12, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता होगा, 9.0×10⁻¹³ किलोग्राम, ये शायद, तो इतना किलोग्राम में जो मास आएगा वो कम हो जाए, बहुत कम होगा, 10^-31, एंड कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं, यू कैन डू कैलकुलेशन, ठीक है, जो भी आंसर आए वो होमवर्क पूरा करके इसको अब कर लेना, चलो बाद में जो भी होमवर्क है, इस सवाल को, पिछले सवाल में तो नहीं करना है, इसको पूरा करके पोस्ट कर देना, है ना? तो फाइनली होमवर्क तुम्हें करना है, तो मेरा टाइम बचेगा। ओके, नाउ लास्ट, इन लास्ट वी विल डिस्कस इंडक्शन प्रोसेस के कुछ एग्जाम्पल और हैं, उनको हम और डिस्कस करते हैं, इंडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इंडक्शन प्रोसेस के कुछ और प्रेजेंटेशन है, तो उस प्रेजेंटेशन को और करके हम लोग इस स्ट्रीम को फिनिश करेंगे। तो आज हमारा चार्ज वाला टॉपिक पूरा हो गया, मैं चार्ज पे होमवर्क दूंगा, प्लीज डू होमवर्क, जैसे तुमने ऑप्टिक्स किया है, ऑप्टिक्स, जिन्होंने ऑप्टिक्स कंटिन्यूस किया है उनका ऑप्टिक्स बहुत अच्छा हो गया है, है ना? ऑप्टिक्स में बाकी बच्चों से तुम देख लेना, ऑप्टिक्स जिसने शुरू से पढ़ा होगा मेरे से, परफेक्टली अच्छा हो गया होगा किसी भी लेवल पे, जेईई नीट लेवल पे, तो उसका एक तरीका है, ऑनलाइन तरीका है, उसको फॉलो करो, प्लीज डू होमवर्क, होमवर्क में ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है? और भले ही जो तुम, मैंने पीडीएफ मटेरियल दिया था इतना हैवी वाला, वो करने की जरूरत नहीं है, अगर करना हो वो ऑप्शनल है, उसको करो चाहे ना करो, उसको रहन दो,
मगर जितना मैं 2-3 क्वेश्चन का होमवर्क देता हूँ ना, उसको जरूर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन का होमवर्क दूंगा, 2 से ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोग होमवर्क करोगे और होमवर्क को पर्सनली सबमिट करोगे। होमवर्क को कैसे सबमिट करोगे? पर्सनली, याद रखोगे, पर्सनली सबमिट करोगे होमवर्क। सो जो भी लोग सीरियसली, कुछ लोग बहुत सीरियसली थे पहले, तो उनका बहुत इंप्रूवमेंट हो गया, और अभी तुम्हें इसी पैटर्न में काम चलाना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं कब स्कूल कॉलेज खुलेंगे, तो इसी पैटर्न को परफेक्ट। तो अब कॉलेज तुम लोग स्कूल के भरोसे तो रहो मत, है ना, अब स्कूल के भरोसे मत रहो, है ना। तो इसी पैटर्न में प्रॉपर तरीके से होमवर्क भी करो और प्रॉपर तरीके से सॉल्व भी करो, ठीक है। ओके, नाउ आई विल शो फ्यू एग्जाम्पल बाय इंडक्शन मैथड। इंडक्शन के कुछ कॉमन अर्थिंग वर्थिंग के एग्जाम्पल है, ठीक है। अर्थिंग के बारे में हम डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे, लेट सी दिस एग्जाम्पल। अर्थिंग के बारे में डिटेल में हम थोड़ा, मैं प्रेजेंटेशन को वो जो उस टाइम उसमें एक्सप्लेन करता हूँ, तुम समझ रहे हो, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव कर रहा हूँ अपना, है ना, बहुत बढ़िया हो जाए, ठीक है। तो ये हमने ले लिया एक स्फेयर, स्फेयर पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, अभी इस पे नेट चार्ज 0 है, ठीक है। अर्थिंग के बारे में डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी अर्थिंग के बारे में तुम इतना समझ लो, शुरू में बताया था कि अर्थ में जो है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको कोई खींच नहीं रहा, वो अर्थ में चले जाएंगे, है ना, समझ आई बात, या अर्थ के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएंगे। तो लॉजिकली अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलने में, या इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि अर्थिंग के बारे में डिटेल में तो बाद में स्टडी करेंगे, बट थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको, ठीक है। अर्थ को हम ये मानते हैं, ऑब्वियसली पहली चीज तो ये मानते हैं कि अर्थ स्फेरिकल है, तो ये अर्थ है हमारी, ये है हमारी अर्थ, ये है हमारी अर्थ, ये है हमारी अर्थ, ठीक है। तो इसके, इसमें हम ये मानते हैं कि इससे अगर हमने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, ये मानते हैं, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, क्योंकि जब भी किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जब बाहर से इलेक्ट्रॉन देते हैं तब नेगेटिव चार्ज आता है, तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए। आई थिंक स्ट्रीमिंग इज फाइन, जस्ट कमेंट अबाउट द स्ट्रीमिंग, ठीक है, क्योंकि व्यूअर्स आर फ्लक्चुएटिंग, सो यस आई थिंक स्ट्रीमिंग इज परफेक्ट, है ना, ओके आई थिंक स्ट्रीमिंग इज परफेक्ट, ओके मैं कंटिन्यू रहता हूँ, स्ट्रीमिंग मुझे सही दिखाई दे रही है, ठीक है। प्लीज कमेंट यस अगर प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, कमेंट यस अगर प्रॉपरली समझ आ रहा है। तो हम अर्थिंग के बारे में बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट अर्थिंग, अर्थिंग, लेट्स टॉक अबाउट अर्थिंग। ठीक है, नाउ अर्थिंग के बारे में अगर बात करें तो अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, और अर्थ को कुछ इलेक्ट्रॉन दोगे तो नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। फिलहाल ये रफ एक्सप्लेनेशन है, ये कोई लॉजिकल नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे भी पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आ रहा है। तो फिलहाल ये मान के चलोगे कि जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो या तो फ्री होंगे तो अर्थ में चले जाएंगे, उससे अर्थ पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, और उससे इलेक्ट्रॉन निकलने पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। एक क्रूड सा लॉजिक है, मतलब रफ लेवल पे लॉजिक है, क्या कि जैसे अगर समुद्र में से, सी में से एक गिलास पानी निकाल लो तो उसके लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ले सकते हो, मगर रियल जो एक्सप्लेनेशन है वो पोटेंशियल से आता है, वो बाद में आएगा, ठीक है। फिलहाल जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा अर्थ में चला जाएगा फ्री, जिसको कोई खींचेगा नहीं, जिसको कोई पुल नहीं करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन अर्थ में चला जाएगा या अर्थ से फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बस इतना सा। तो लेट्स कम टू प्रेजेंटेशन, वेयर इज माय प्रेजेंटेशन, दिस इज माय प्रेजेंटेशन, ओके। सो ये कोई मेटल का स्फीयर है, इधर इंसुलेटर है, और इस पे टोटल नेट चार्ज 0 है, बाय इंडक्शन का एग्जांपल है। एक नेगेटिव चार्ज लेके आए, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये इंडक्शन देखो, टच नहीं हो रहा है यहाँ पे, टच नहीं हो रहा है, ये इंडक्शन हो रहा है,
ठीक है, पॉजिटिव को इधर होगा तो जितना पॉजिटिव इधर होगा उतना ही नेगेटिव इधर होगा, है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जितना पॉजिटिव इधर होगा उतना ही नेगेटिव इधर होगा, क्योंकि इस पे टोटल नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, वो टोटल नेट चार्ज जीरो है। ओके, नाउ अब इसको चार्ज करना है तो कैसे चार्ज करेंगे, अभी चार्ज थोड़ी ना हुआ, पॉजिटिव इधर आ गया नेगेटिव इधर आ गया, मगर ये चार्ज नहीं हुआ, इस पे नेट चार्ज अभी जीरो है, तो इसको चार्ज करने की प्रोसेस क्या है, या तो बीच से कट कर दो, नेगेटिव वाला अदर इधर हो जाएगा पॉजिटिव वाला इधर हो जाएगा, मगर वो कट करते नहीं है, कट करना एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, मगर एक्चुअली में नेगेटिव चार्ज है तुम हटा लोगे तो ये वापस फिर कंबाइंड हो जाएंगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हो जाएंगे, पहले नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इधर होंगे नेगेटिव इधर होंगे, मगर जैसे ही ये टीचर जाएगा ये दोनों आपस में इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए फिर से पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, ठीक है, फिर से ऐसे हो गया, फिर लाए तो फिर वही डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, तो अर्थ इन इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा पूरा, अर्थिंग, क्योंकि ये जो इसको क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन धक्का दे रहे हैं, तो धक्का दे रहे हैं तो कहां जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, ठीक है, ये हमने अर्थिंग कर दी, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ में उतर गए, उतर के खत्म हो गए, ठीक है, तो इसकी अर्थिंग कर दी। अब अगर इस पे नेगेटिव चार्ज, तो अर्थिंग करने के बाद तो पहले हम रॉड को लाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इधर होगा, अर्थिंग करेंगे और इसको जब हटा लेंगे, अब जब नेगेटिव हटाओगे तब इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कंडक्टर में चार्ज सरफेस पे होता है, अंदर नहीं होता है, कंडक्टर में चार्ज कहां पर होता है, सरफेस पे होता है, अंदर नहीं होता, नहीं होता। तो इस मेथड से ये चार्जिंग हुई, इस मेथड से चार्जिंग बाय इंडक्शन हुआ, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एक और तरीका होता है, एक और तरीका है, अगर तुम्हें ये तरीका अर्थिंग वाला तरीका पसंद नहीं है तो एक और मेथड हो सकता है, हम दो स्फीयर ले लें, ए और बी, दोनों को पास में, दोनों कंडक्टिंग स्फीयर है, ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, ठीक है, ये देखो लकड़ी का है, लकड़ी इंसुलेटर होती है, और दोनों मेटल का लग रहा है ना, मेटल का, तो मेटल का कंडक्टर है, ज्यादा फीलिंग आती है इससे, ज्यादा फीलिंग आती है। फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, एक रॉड लेके आएंगे, आपकी पॉजिटिव लेके आएंगे, कोई भी पॉजिटिव चार्ज की रॉड ला सकते हो, नेगेटिव चार्ज की रॉड, तो आपकी हम पॉजिटिव लेके आए, पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो, नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव रिपेल किया, इधर नेगेटिव अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव रिपेल किया, अब इधर पॉजिटिव नेगेटिव साथ में है तो ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे, ठीक है, इसमें बाय कंडक्शन एक दूसरे में मिल जाएंगे और खत्म कर देंगे, ठीक है, ये खत्म हो गए। तो इधर वाला अभी भी इसमें एक काम करना है, अगर अभी भी तुम ये हटा लोगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव भी खत्म हो जाएंगे, तो पहला काम क्या करना है, इन स्फीयर को ऐसे, इसको ऐसे ही रखना है, ग्लास रॉड को ऐसे ही रखना है और स्फीयर को हटाना है, ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से देखना है इसको, इसको पहले हटाना है, इसको पहले हटाना है, क्योंकि ये दोबारा मिल ना पाए, क्योंकि ये भी तो मिल सकते हैं, पॉजिटिव हटाया तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाएंगे, तो इनको ये एक कमरे में है, इनको दूसरे कमरे में बंद करो और कमरे के बीच में कनेक्शन हटा लो, कनेक्शन हटा लो, हटा लो, हटा लो, हटा लिया, अब नहीं मिल पाएंगे, अब इसको हटा लो, ठीक है, अब मिलने की कोशिश तो करेंगे मगर मिल नहीं पाएंगे। अब क्या होगा, नेगेटिव ऐसे आएंगे, पॉजिटिव ऐसे आएंगे, इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, मगर ये अब मिल नहीं पाएंगे, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो इनको और दूर कर दोगे, खूब दूर कर दोगे तो ये सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जैसे पुल करना बंद करेंगे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आई होप तुम्हें इस प्रेजेंटेशन में बहुत मजा आया होगा और कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अब चार्जिंग का जितना भी एनसीईआरटी की बुक है एक बार पढ़ लेना, एनसीईआरटी का बुक हम टोटली एनसीईआरटी कवर करेंगे, एनसीईआरटी बुक टोटली फॉलो करेंगे, स्पेशली इस तरह का जो कलर्ड प्रेजेंटेशन मैं दिखा रहा हूँ ये पूरा एनसीईआरटी पर बेस्ड है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम एनसीईआरटी पर बेस्ड है इसलिए लेंगे, तो दिस विल फिनिश, और प्लीज डू होमवर्क, है ना, तो अब मैं वही क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा जो अगले सेशन में मुझे डिस्कस करने होंगे, तो अगले टर्न पे हम लोग चार्ज के मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसको तुम पहले से करके रखोगे और फटाफट कमेंट करते जाओगे, फटाफट कमेंट करते जाओगे, और उनके सोल्यूशन मुझे पर्सनली पोस्ट करने, याद रखोगे सोल्यूशन अगर मैं होमवर्क दूंगा तो सोल्यूशन ग्रुप में पोस्ट नहीं करने, सोल्यूशन को ग्रुप में पोस्ट नहीं करना है, सोल्यूशन को पर्सनली पोस्ट करना है, सिर्फ टेस्ट जो होगा वो ग्रुप में पोस्ट करना है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस प्रेजेंटेशन एंड वी हैव कंप्लीटेड अ टॉपिक, चार्ज करके एक टॉपिक खत्म कर दिया हमने पूरा, अब
अगली क्लास में हम चार्ज और चार्जिंग के कुछ क्वेश्चंस लेंगे बढ़िया बढ़िया, और उसके बाद शायद उससे अगली क्लास में या एक दो क्लास में क्वेश्चन लेने के बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कूलम्स लॉ। और मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि इसके पहले तुम्हें वेक्टर अच्छी तरह से आना चाहिए, तो तुमने जो वेक्टर पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लो, ठीक है, वेक्टर पढ़ रखा उसको रिवाइज कर लो। मैं जहां पर यूज होगा वहां पर वेक्टर के बेसिक कंसेप्ट तो बता दूंगा, मगर एकदम शुरू से वेक्टर का जो कंसेप्ट है प्लीज रिवाइज दैट, क्योंकि वेक्टर इसमें बहुत लगने वाला है। ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, आई कैप जे कैप में रिजॉल्व कैसे करते हैं, तो उसी 11th क्लास में उसी टॉपिक का भरपूर यूज है कूलम्स लॉ में। सो टेक केयर।